उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में रेप के आरोपी मौलवी के घर चस्पा हुई कुर्की की नोटिस। मदरसे के मौलवी पर छात्रा से रेप के आरोप में कई महीने पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। केस दर्ज होने के बाद से अब तक फरार चल रहा है आरोपी मौलाना। मदरसे में पढ़ने आती थी नाबालिग छात्रा से कई महीनों से करता था रेप। लड़की के लगातार देर से घर पहुंचने पर घर वालों को शक हुआ। घर वालों ने जब बेटी से पूछा तब राज खोला गया। आज पुलिस ने डुग्गी बजाकर आरोपी मौलाना के घर कुर्की करने की नोटिस कर दी चस्पा। पुलिस प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए। क्या है घटनाक्रम और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? थाना क्षेत्र हुजूरपुर में एक नाबालिग बच्ची ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि उसके जो मदरसा संचालक और जो कि वहाँ शिक्षण का कार्य भी करते हैं उन्होंने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है और उसकी तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 404/22 धारा 376 IPC और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसी के विवेचना के दौरान शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए NVW न्यायालय से प्राप्त किया गया है। 82 की कार्रवाई भी न्यायालय द्वारा CRPC की प्राप्त की गई है पुलिस द्वारा और उस 82 CRPC के ताबीला में डुगडुगी पिटवा करके उस फरार मदरसा संचालक को चेतावनी दी गई कि अतिशीघ्र पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे या तो न्यायालय में हाजिर हो जाए अन्यथा उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। और इसके अलावा पुलिस की अन्य टीमें भी उसकी गिरफ्तारी में लगी हुई हैं।